वेलकम बैक टू द स्टडी विद सूरज यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूरज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का जो 2023 सेकेंड सेमेस्टर का जो सिलेबस रहने वाला है उस सिलेबस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, बीए प्रोग्राम के अभी तक चल रहे हैं, बाकी दो अदर कोर्सेज थे लाइक बीकॉम एंड बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, उनके एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस रहने वाला है सेकेंड सेमेस्टर में उसको डिस्कस करेंगे। देखिएगा ये सिलेबस यूजीसीएफ 2022 का जो करिकुलम है, न्यू बैच, मतलब कि न्यू बैच से मेरा तात्पर्य है न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो चुकी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में और 4 साल की ग्रेजुएशन कर दी है। बेसिकली आप 3 साल में भी डिग्री ले सकते हैं लेकिन चौथा साल जो है आप पर डिपेंड करता है कि क्या आप उस सब्जेक्ट में आगे डिप्लोमा करना चाहते हैं या नहीं। ओके इसका सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा डीएससी जो कोर्स था, डीएससी 4 तक हम पढ़ चुके हैं, माफ़ कीजिएगा डीएससी 3 तक हम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं और उसमें हमने एक सब्जेक्ट पढ़ा था पॉलिटिकल थियरी, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियरी, जो डीएससी 1 का सब्जेक्ट था। वो सब्जेक्ट आपको सेकेंड सेमेस्टर में दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिएगा सेकेंड सेमेस्टर में आपको बहुत सारे नए सब्जेक्ट मिलेंगे, उन नए सब्जेक्ट्स में से ही आपको चूज करना है किन्हीं 6 या 7 सब्जेक्ट्स को। यहाँ पर देखिए आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इंटरनेशनल रिलेशनशिप नहीं पढ़ी है तो सेकेंड सेमेस्टर में आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे, कंपेयरिंग पॉलिटिक्स के बारे में जानेंगे। आप एक स्टूडेंट है पॉलिटिकल साइंस के तो आपको सिर्फ एक ही मतलब कि फील्ड तक सीमित नहीं रखा जाएगा, आपको थियरी या फिर जो हमने पिछले चैप्टर या फिर पिछले सेमेस्टर 1 में पढ़ा है वहीं तक सीमित नहीं रखा जाएगा। पॉलिटिकल साइंस का जितना भी ज्ञान है वो आपको थोड़ा थोड़ा दिया जाएगा, देन अगर आप एमए करते हैं तो और अधिक ज्ञान आपको दिया जाएगा, देन फिर पीएचडी में आपको दिया जाएगा ज्ञान। क्यों? क्योंकि एमफिल तो हटा दी गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में से, सो आप एमए करेंगे और डायरेक्ट पीएचडी होगी। सो स्टार्ट करते हैं डीएससी 4 के साथ। तो बेसिकली डीएससी 4 जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, लोक प्रशासन है। लोक प्रशासन बहुत सारे स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। इसमें जो फर्स्ट यूनिट रहेगी उसमें आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन, कि भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की हिस्ट्री को जानेंगे आप बेसिकली, कि एक सब्जेक्ट के रूप में कब से ये चलता आ रहा है। सो देखिएगा इसके जो प्राचीन काल में क्या इसका रोल था, एंशियंट रूट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पर्सपेक्टिव ऑफ कौटिल्या अर्थशास्त्र, तो इसमें आप कौटिल्या के अर्थशास्त्र है, एक बुक लिखी गई थी कौटिल्या द्वारा, कौटिल्या को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, तो उनके द्वारा जो बुक लिखी गई थी उस बुक की सहायता से आप फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो कवर करेंगे। देन मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जानेंगे आप, एन ओवरव्यू ऑफ थियोरेटिकल जर्नी, फिर आप अलग अलग जो ऑथर्स है राइटर्स है उनकी बुक लिखी हुई है वहाँ से थोड़े नोट्स बनाए जाएंगे DUSOL के द्वारा। बेसिकली आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप सेकेंड सेमेस्टर में हैं, तो ये सिलेबस आपके लिए है। ये मैटर नहीं करता कि आप कौन से लाइक फील्ड से या कौन से ब्रांच से आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स NCVAP से कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट रेगुलर से हैं, बहुत सारे स्टूडेंट स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यानी कि SOL से है, तो सिलेबस जो है वो सभी के लिए सेम रहता है। लेकिन जो बात है वो क्या है यहाँ पर, कि जो आपका एग्ज़ाम किस तरीके से होगा वो यहाँ पर ही लिखा हुआ होगा, कहीं आगे हम पढ़ेंगे जब। सो देखिएगा आपका ये रहा एग्जामिनेशन स्कीम एंड मोड शैल बी एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द एग्जामिनेशन ब्रांच यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फ्रॉम टाइम टू टाइम, कि भाई जिस ब्रांच से आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की जिस ब्रांच से आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चाहे SOL हो रेगुलर हो या NCVAP हो, वो अपने हिसाब से एग्ज़ाम आपसे लेगी, लेकिन सिलेबस जो है वो सेम रहेगा आपका, चाहे आप रेगुलर हो, रेगुलर के स्टूडेंट हो, NCVAP के हो या SOL के हो। ओके सो कोई कन्फ्यूज़न ना रहे आपके माइंड में। प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अब यहाँ पर हमें प्रिंसिपल को जानने को मिलेगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादातर स्टूडेंट फर्स्ट जो सेमेस्टर है उसमें ये पढ़ चुके हैं, देन
थियोराइजिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को थियोराइज करेंगे, बेसिकली इसकी मीनिंग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है एट्सेट्रा, यहाँ पर आप जानेंगे। देन सेकेंड यूनिट होगी, सेकेंड यूनिट में आप मेन स्ट्रीम जैसे कि ट्रेडिशनल और थियोरेटिकल जो पर्सपेक्टिव है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, उनके बारे में जानेंगे। फिर देखिएगा आप, फर्स्ट जो टॉपिक होगा या फिर फर्स्ट हेडलाइन होगी वो साइंटिफिक मैनेजमेंट की होगी। देखिएगा कई बार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को साइंटिफिक मैनेजमेंट की धारणा के रूप में भी देखा जाता है। तो इसमें आप FW टेलर जो है, इनके द्वारा लिखी गई कोई पुस्तक होगी या रिसर्च होगी उससे आप पढ़ेंगे। देन आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी जो मैक्स वेबर द्वारा होगी, ह्यूमन रिलेशन थियरी एलन मेयो, एल्टन मेयो, रैशनल डिसीजन मेकिंग हर्बर्ट साइमन, इकोलॉजिकल अप्रोच फ्रेडरिक्स। देन यूनिट थर्ड में आप कॉन्टेम्प्रेरी थियोरिटिकल पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे, जिसमें न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, न्यू पब्लिक सर्विस, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स ऑन गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस आप पढ़ चुके हैं किसमें, फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ चुके हैं, कोलेबरेटिव गवर्नेंस। कोलेबरेटिव मतलब कि एक स्टेट, मान लीजिएगा भारत का ही एक उदाहरण दूँ कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक दूसरे के सहयोग से कार्य करती है, कोलैब से कार्य करती है, तो वो कोलैबोरेटिव गवर्नेंस कहलाती है। तो उसके बारे में आप जानेंगे, नेटवर्क गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। देन फोर्थ यूनिट जो होगी उसमें जेंडर पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जेंडर एंड गवर्नेंस की, भाई जो लोक प्रशासन है या जो लाइक एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें जेंडर का क्या रोल है, क्या यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है एट्सेट्रा, यहाँ पर आप जानेंगे। जेंडर सेंसिविटी, सेंसिटिविटी एंड पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन की, भाई यहाँ पर कितना, कौन लोग कितनी संख्या में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि फीमेल एंड मेल एट्सेट्रा। अब DSC 5, मेथड एंड अप्रोचेज इन कंपेरेटिव पॉलिटिक्स एनालाइज। अब यहाँ पर देखिएगा, बेसिकली आपको दो वर्ड पर ध्यान देना है, कंपेरेटिव पॉलिटिकल एनालाइज। अब यहाँ पर क्या होगा कि आप अपनी पॉलिटिक्स जो है अंडरस्टैंडिंग, फर्स्ट यूनिट से ही स्टार्ट करते हैं, अंडरस्टैंडिंग कंपेरेटिव पॉलिटिक्स। अब यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिएगा भारत में पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिकल पार्टीज है, तो डेफिनेटली पॉलिटिक्स करेगी, और अच्छी पॉलिटिक्स जो होगी, पॉजिटिव पॉलिटिक्स होगी, वो जनता के लिए लाभकारी होगी। तो यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे पॉलिटिक्स को, पॉलिटिक्स को कंपेयर करेंगे किन के साथ, जैसे कि USA में किस तरीके की पॉलिटिक्स होती है, कौन से लोग हैं एट्सेट्रा, यहाँ पर हम जानेंगे। USA और इंडिया की पॉलिटिक्स को कंपेयर कर लिया, देन ब्रिटेन एंड इंडिया की पॉलिटिक्स को कंपेयर कर लिया एट्सेट्रा, यहाँ पर कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट में बेसिकली आप जानेंगे नेचर एंड स्कोप ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, फिर आप जानेंगे कि कंपेयर करने की आवश्यकता क्यों है, देन अंडरस्टैंडिंग कंपेरेटिव मेथड्स की, किस किस मेथड्स का यूज़ किया जाता है दो पॉलिटिकल पावर या दो पॉलिटिक्स कंट्री को कंपेयर करने के लिए, लार्ज एंड स्मॉल एंड, सिंगल कंट्रीज स्टडीज़, गोइंग बियॉन्ड यूरोसेंट्रिज्म, ओके। देन सेकेंड यूनिट होगा अप्रोचेस टू स्टडिंग कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, जिसमें आप अनेक जो देश है जैसे कि अमेरिका, चाहे वो USA हो, इंडिया हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो, कोई सी भी कंट्री हो, उनमें से बहुत सारी कंट्रीज़ का फोकस तो मेन रहेगा ब्रिटेन, USA, इटली, फ्रांस, जापान एट्सेट्रा कंट्रीज़ पर, उनके पॉलिटिकल सिस्टम और इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को आप जानेंगे। स्ट्रक्चरल फंक्शन एनालाइज करेंगे आप, एंड थर्ड यूनिट में आप जानेंगे अप्रोचेस टू स्टडिंग कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, ट्रेडिशनल एंड न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। सो यहाँ पर हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म देखेंगे कि भाई प्राचीन काल से या फिर 1200 ईसा से या 1000 ईसा से किस तरीके से जो ये इंस्टीट्यूशंस है, पॉलिटिकल बेसिकली इंस्टीट्यूशंस जो है वो किस तरीके से चलते आ रहे हैं। रैशनल चॉइस थियरी, सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म। फोर्थ यूनिट में आप पढ़ेंगे अप्रोचेस टू स्टडिंग कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, जिसमें पॉलिटिकल कल्चर को जानेंगे, सिविल जो सिविक कल्चर है सिडनी वर्बा द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया वो जानेंगे, सब कल्चर डेनिस खावांग के द्वारा लिखी गई कोई पुस्तक या फिर रिसर्च को पढ़ेंगे। हेजेमनी, हेजेमनी आप जानते हैं एकाधिकार, अगर आप देखें तो दुनिया भर में एकाधिकार अभी किसका चल रहा है,
पहले दो सुपर पावर्स थी जहाँ पर लाइक यूएसएसआर एंड यूएसए, दो सुपर पावर थी, लेकिन 1991 के बाद एक ही सुपर पावर बची, वो है यूएसए। सो यूएसए की यहाँ पर हेजेमनी के बारे में बताया जाएगा बेसिकली आपको। तो हेजेमनी मतलब एकाधिकार की पूरी दुनिया का एक सुपर पावर, ओके, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन अब इंडिया भी सुपर पावर के रूप में उभर रही है। पोस्ट मटेरियलिज्म के बारे में जानेंगे, जिसमें रोनाल्ड इंगेलहार्ट के बारे में जानेंगे। सोशल कैपिटल के बारे में जानेंगे, आर पुतनाम द्वारा लिखी गई। देन यूनिट 4 होगी, माफ़ कीजिएगा, यूनिट 5 होगी, जिसमें अप्रोचेस टू स्टडिंग कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में जानेंगे। अंडर डेवलपमेंट, डिपेंडेंसी, मॉडर्नाइजेशन, वर्ल्ड सिस्टम थियरी। अंडर डेवलपमेंट आप जानते हैं, डेवलप्ड आप जानते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज आप जानते हैं। देन जो 6th यूनिट होगी उसमें जेंडरिंग कंपेरेटिव पॉलिटिक्स की, भाई यहाँ पर महिलाओं को और पुरुषों को कितना मतलब भाग लेते हैं, कौन लोग कितना भाग लेते हैं, वो यहाँ पर जानेंगे कि महिलाएं कितना रिप्रेजेंट करती है गवर्नमेंट्स में, पॉलिटिक्स में कितना हिस्सा लेती है, एट्सेट्रा। फिर यहाँ पर कुछ बुक्स आपको सजेस्ट की गई है, अगर आप पढ़ना चाहें तो SOL की लाइब्रेरी विजिट कर सकते हैं, और अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो अपनी जो कॉलेज की लाइब्रेरी है आपको जो अलॉट की गई है उनमें, उन पर जाइए, उन लाइब्रेरीज़ को विजिट कीजिए एंड वहाँ से इन बुक्स को आप पढ़ सकते हैं। देन अब आगे बढ़ते हैं DSC 6 पर। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन थियरीज कॉन्सेप्ट्स एंड डिबेट। अब यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में चर्चा करेंगे। इंटरनेशनल रिलेशनशिप में आप बेसिकली देखेंगे कि भारत के जो रिलेशंस है अदर कंट्रीज के साथ वो कैसे है। जैसे कि भारत के रिलेशन रशिया के साथ देखा जाए तो बहुत अच्छे है। अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, बहुत सी बड़ी बड़ी कंट्रियाँ इंक्लूडिंग USA चाहता है कि इंडिया रसिया के खिलाफ वोट करे, लेकिन इंडिया ना रसिया के खिलाफ वोट करता है और ना ही सपोर्ट में, न्यूट्रल वोट करता है, कहता है कि भाई हम इस लड़ाई में न्यूट्रल है, जो सही होगा वो आगे देखा जाएगा, ओके। सो यहाँ पर अलग अलग तरीके से अलग अलग कंट्री के साथ इंडिया की रिलेशनशिप को कंपेयर किया जाएगा। इंडिया की रिलेशनशिप जापान के साथ कैसी है, इंडिया की रिलेशनशिप इसके पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान के साथ कैसी है, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, नेपाल एंड जो मालदीव अदर कंट्रीज हैं उनके साथ कैसी है। सो यहाँ पर हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ओके। मैं अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको सिलेबस में कोई भी डाउट ना रहे। सो वट इज़ IR एंड इट्स कॉन्टेस्टेड ओरिजिन्स। अब IR क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है, ये शुरू कहाँ से हुआ था, एट्सेट्रा यहाँ पर आप पढ़ेंगे। देखिएगा IR में बेसिकली आप पढ़ेंगे इंटरनेशनल जो रिलेशनशिप है उसमें आप क्या जानेंगे कि बेसिकली आपने अगर कोल्ड वॉर पढ़ा है क्लास 12th में तो वहाँ से आपको इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिल चुकी होगी, एक आइडिया मिल चुका होगा कि IR मैंने पढ़ा है। और जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे होंगे डेफिनेटली, तो वो ज़रूर पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट को, क्योंकि अगर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वो एज अ ऑप्शनल चूज़ करते हैं तो वो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, माफ़ कीजिएगा, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप एक सब्जेक्ट है ऑप्शनल के लिए, वो सिलेक्ट करेंगे अगर चाहते हैं तो। सो देखिएगा इसमें आप समझेंगे व्हाट इज़ IR, रीडिंग द बिग बैंग्स, ब्रिंगिंग डी कॉलोनियल अकाउंट्स की, डी कॉलोनियल अकाउंट को आप देखेंगे, अंडरस्टैंडिंग द जेनेलॉजी ऑफ IR डिसिप्लिन इन इंडिया। फर्स्ट यूनिट में आप ये टॉपिक्स पढ़ेंगे एंड सेकेंड यूनिट जो होगी उसमें आप इंट्रोडक्शन टू IR थियरीज, अलग अलग थियरीज को पढ़ेंगे, रियल पॉलिटिक, कौटिल्या, रियलिज्म, न्यू रियलिज्म के बारे में जानेंगे, कौटिल्या की बुक होगी जो उसमें से पढ़ेंगे रियल पॉलिटिक। देन लिबरलिज्म एंड न्यू लिबरलिज्म के बारे में जानेंगे, मार्क्सिज्म, न्यू मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, ये ज़्यादातर थियरी जो है वो आप जान चुके हैं अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियरी में। यूनिट 3rd जो है उसमें आप पावर, सवर्जिनिटी, एम्पायर एंड इंटरनेशनल ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। 4th यूनिट में आप ग्लोबल IR के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनेशनल रिलेशनशिप है मतलब IR का अ रिलेशन टर्न, ओके। देन ये कुछ बुक्स है जो आप पढ़ सकते हैं अगर आपको तैयारी स्टार्ट करनी है सेकेंड सेमेस्टर के लिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो है नहीं, हम भी जल्द से जल्द जो हमारी वीडियोज़ हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर
वो लाना स्टार्ट करेंगी। अभी थोड़ा बिजी चल रहे हैं तो वीडियोस बहुत ज़्यादा रुक रुक कर आ रही है, सो वीडियो जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। नोट्स के साथ इस बार थोड़ा चेंजेस होगा चैनल पर। सो नाउ अब यहाँ पर दूसरी कैटेगरी, अभी हमने फर्स्ट कैटेगरी के जो सब्जेक्ट्स थे वो डिस्कस किए, अब यहाँ पर क्या है, हम दूसरी कैटेगरी के सब्जेक्ट्स जो है उनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए यार, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स 2A। अब यहाँ पर 2A पर डिस्कशन करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिएगा, ये जो सब्जेक्ट्स है वो कहीं ना कहीं BA प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के पास भी है, और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स जो है ऑनर्स के उनके पास तो है ही, उनको लिस्ट दी जाएंगी एंड वो चूज़ करेंगे। तो मेजर डिसिप्लिन है ये, एज मेजर डिसिप्लिन BA प्रोग्राम एंड पॉलिटिकल साइंस मेजर डिसिप्लिन के जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। सो इसमें इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स सेम यही हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट यूनिट जिसमें होंगी उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, बेसिक फीचर या फिर सेलियंट फीचर कह सकते हैं, डिबेट्स ऑन फंडामेंटल राइट, बहुत सारे स्टूडेंट इसे पढ़ चुके हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फेडरलिज्म फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ चुके हैं। सेकेंड यूनिट में जो हम पढ़ेंगे वो होगा स्टेट फॉर्मेशन एंड नेशन बिल्डिंग, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। देखिएगा, भारत 565 रियासतों में डिवाइडेड था, तो उन रियासतों को एक साथ कैसे लाया गया उसकी हिस्ट्री आप जानेंगे। बहुत ही शानदार टॉपिक है ये, अगर आप पढ़ेंगे बहुत इंजॉय करेंगे इस टॉपिक को। आप जानेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल तत्कालीन गृह मंत्री किस तरीके से इन प्रिंसली स्टेट्स को भारत में उनका विलय करवाया। सबसे ज़्यादा कठिनाई जो हुई थी वो बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर का जो स्टेट था प्रिंसली स्टेट वहाँ, हैदराबाद जहाँ पर निजाम था, एंड मणिपुर में थोड़ी तकलीफ हुई थी लेकिन इजीली बातचीत के सहारे उन्होंने भारत के साथ विलय कर लिया था। लेकिन हैदराबाद का जब आप पढ़ेंगे सबसे ज़्यादा खतरनाक वो है, वहाँ पर आप पढ़िएगा रजाकर्स हुआ करते थे, रजाकर्स लोगों को बहुत ही बर्बरता के साथ मार दिया करते थे। तो उसका विलय किस तरीके से भारत में हुआ वो यहाँ पर आप पढ़ेंगे, बहुत ही मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। पॉलिटिकल साइंस एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट लगता है मुझे, सारे ही सब्जेक्ट अच्छे हैं लेकिन पॉलिटिकल साइंस मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर हमें यहाँ अधिकार जानने को मिलते हैं, हमारे हमारी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, ध्यान दीजिएगा वर्ड्स पर, पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है उसके बारे में जानने को मिलता है, और हम जागरूक नागरिक के तरह उभरते हैं कि भाई हमारे ये अधिकार है, हम इन मुद्दों को इसके सहारे खड़े कर सकते हैं एट्सेट्रा। बहुत अच्छा टॉपिक है। थर्ड यूनिट में आप पढ़ेंगे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में एट सेंटर एंड स्टेट लेवल, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है स्टेट और सेंट्रल लेवल में, जैसे पार्लियामेंट, जुडिशरी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, चीफ मिनिस्टर ऑफिस एंड सो एंड सो ऑन एंड सो ऑन। सो उसके बारे में आप जानेंगे। यूनिट जो फोर है उसमें आप सोशल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे पॉलिटिकल पावर के, जिसमें आप कास्ट, क्लास, जेंडर, रेस आदि के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट फाइव में आप पढ़ेंगे रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, डिबेट्स ऑन सेक्युलरिज्म एंड कम्युनलिज्म। सो सेक्युलरिज्म एक बर्निंग टॉपिक है जो आज भी बहुत ही डिस्कस किया जाता है विद्वानों द्वारा। यूनिट सिक्स जो होगी उसमें पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि भाई कौन सी पार्टी कब आई, देन किस तरीके से भारत में पॉलिटिकल पार्टीज़ का इमर्जेंस हुआ। जैसे कि 1970 तक माना जाता था कि भारत में सिर्फ एक ही पार्टी है, वो है कांग्रेस। कांग्रेस को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। प्रथम बार भारत स्वतंत्र भारत के चुनाव 1951 में हुए थे, तो उसके बाद से 1975 में जो आपको याद होगा इमरजेंसी पीरियड तक कांग्रेस का प्रभुत्व रहा, देन एमरजेंसी के बाद बहुत सारी पार्टियों ने गठबंधन किया। यहाँ पर देखिएगा आप कौन सी मुख्य पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस एंड बीजेपी एंड जनता पार्टी एंड समाजवादी पार्टी एंड बहुत सारी अदर्स जो साउथ इंडिया की जो पार्टीज़ है उनके बारे में आप यहाँ पर जानेंगे। देन यूनिट सेवन में आप डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज़ के बारे में जानेंगे, प्लान्ड इकोनमी, न्यू लिबरल रिकन्स्ट्रक्टिंग। यूनिट सेवन एट जो होगा उसमें सोशल मूवमेंट जैसे वर्कर्स, फार्मर्स एंड एनवायरमेंटल एंड वीमेंस मूवमेंट एक्सेट्रा, वो आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में।
देन नाइन्थ यूनिट, बहुत लंबा चैप्टर रहेगा ये, लंबा मतलब कि ये सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें समझेंगे एंड पढ़ेंगे, बट बहुत मज़ा भी आएगा आपको ये पढ़ने में। द नेचर ऑफ स्टेट इन इंडिया, कि भाई स्टेट किस तरीके से कार्य करते हैं भारत में, उसके डेवलपमेंटल वेलफेयर एंड रेगुलेटरी जो नेचर है उनके बारे में पढ़ेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक फीचर एंड डिबेट्स के लिए आप इन बुक्स को पढ़ सकते हैं, जिसमें बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखी गई एक बुक है बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देन डी डी बासु द्वारा फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज लिखी गई जो है बुक, आप अच्छे से पढ़िएगा तो अच्छे मार्क्स ले पाएंगे आप अपने एग्ज़ाम में। देन जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है उसकी ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर DSC डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स में DSC 2 भी पढ़ेंगे, जिसमें इंडियन फॉरेन पॉलिसीज की, भारत की जो विदेश नीति है वो कैसी है। सो IR इंटरनेशनल रिलेशनशिप अलग है और विदेश नीति अलग है, कि भारत किस देखिएगा IR इंटरनेशनल रिलेशनशिप में तो आप देखेंगे कि भाई भारत दूसरे देशों के लिए या दूसरे देशों के साथ कैसे संबंध रखता है, लेकिन यहाँ पर आप विदेश नीति या फिर जो फॉरेन पॉलिसी है उसके बारे में जानेंगे। सो बेसिकली आप जानेंगे कि भारत पाकिस्तान के लिए क्या नीति रखता है, USA के लिए क्या नीति रखता है, नेपाल के लिए क्या नीति रखता है, एट्सेट्रा। सो यूनिट वन में आप पढ़ेंगे इंडियाज फॉरेन पॉलिसी मीनिंग डिटर्मिनेंट्स एंड एवोल्यूशन। सो इसमें डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, देन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल्स, देन नॉन अलाइंट एंड बियॉन्ड कॉन्सेप्ट पॉलिसी एंड रिलेवेंस ऑफ नॉन अलाइंट। आप अगर लाइक आपने अगर पढ़ा होगा नॉन अलाइंट मूवमेंट 12th क्लास में, तो आप इजीली इसे समझ पाएंगे। कोल्ड वॉर में ही था नॉन अलाइंट मूवमेंट, जब USSR और USA की दो महाशक्तियों के बीच तकरार चल रही थी, तब भारत ने एक अलग सा अपना संगठन बनाया था इंडोनेशिया एंड बर्मा एट्सेट्रा कंट्रीज़ को साथ लेकर, जिसे नॉन अलाइंट की व्याख्या दी गई थी। सो उसके बारे में आप पढ़ेंगे, नॉन अलाइंट से ही हमारी जो विदेश नीतियाँ हैं वो क्लियर हो जाती है। देन सेकेंड यूनिट है चेंजिंग रिलेशन विद द ग्लोबल पावर्स फ्रॉम कोल्ड वॉर टू पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। अब कोल्ड वॉर क्या था, पोस्ट कोल्ड वॉर क्या था, वो आप इस यूनिट को पढ़कर समझेंगे, और अगर आपने 12वीं क्लास में अच्छे से पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। इंडिया एंड USA, इंडिया एंड रशिया, इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड EU, EU का मतलब है यूरोपियन यूनियन। अब यूनिट थर्ड है, यूनिट थर्ड में आप समझेंगे इंडिया एंड नेबरहुड, इंडिया के जो नेबरहुड है अलग अलग, जैसे कि नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स, अफगानिस्तान, म्यांमार एट्सेट्रा, जो कंट्रीज़ है ये सारे इंडिया के नेबरिंग पड़ोसी देश हैं, तो इनके साथ इंडिया के कैसे रिलेशन है उनको आप पढ़ेंगे, जिसमें बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में जानेंगे, इंडिया चाइना के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, माइग्रेशन एंड रिफ्यूजी। सो बांग्लादेश के साथ माइग्रेशन एंड रिफ्यूजी को लेकर थोड़ी डिस्प्यूट चलते रहते हैं, कि बांग्लादेश के रास्ते भारत में रोहिंग्या जो है वो घुस जाते हैं, तो उस डिस्प्यूट को आप जानेंगे। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के बारे में जानेंगे। यूनिट फोर्थ जो होगी उसमें इंडिया इन कॉन्टेम्प्रेरी मल्टीपोलर वर्ल्ड, इंडियाज एंगेजमेंट्स इन मल्टीलेटरल फॉर्म नेगोशिएशन, ट्रेड, क्लाइमेट चेंज एट्सेट्रा में आप जानेंगे कि इंडिया की क्या भागीदारी है। इंडिया एज ग्लोबल पावर प्रोस्पेक्ट एंड चैलेंजेस, उसके बारे में आप जानेंगे। छोटी सी यूनिट थी, छोटा सा छोटी सी बुक होगी ये, आप देख लीजिएगा, फॉरेन पॉलिसी जो विदेश नीति है उसको लेकर। देन अब यहाँ पर कैटेगरी थर्ड, हमने पहले पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के जो सब्जेक्ट्स थे उनको पढ़ा, देन कैटेगरी टू पढ़ा जिसमें मेजर सब्जेक्ट्स जो थे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के उनके बारे में पढ़ा। अब हम BA प्रोग्राम, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हो या फिर अदर BA प्रोग्राम से आप कर रहे हैं और इस सब ये सब्जेक्ट आपके पास है तो, एंड जो माइनर डिसिप्लिन है पॉलिटिकल साइंस के, नॉन मेजर और माइनर डिसिप्लिन उनके बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली इसे माइनर डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स MDSC 2A के नाम से जाना जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स सेम जो सब्जेक्ट है हम पढ़ चुके हैं, शायद हम डिस्कस कर चुके हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक फीचर सेम,
स्टेट फॉर्मेशन, सेम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, सोशल स्ट्रक्चर, ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर. ओके, देन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि टाइम ऊपर से बहुत ही कम है, और अगर हम टाइम वेस्ट करते रहेंगे तो फिर तो पढ़ लिया हमने. सो इसलिए मैंने उसे लेट इट भी कर दिया. अब कैटेगरी फोर, इसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे जीई जर्नल इलेक्टिव. ओके, सो पॉलिटिकल साइंस या बीए प्रोग्राम से आप कर रहे हैं और आपने ये सब्जेक्ट लिया है तो ये आपके लिए है. आइडियाज़ इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ये सब्जेक्ट आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में तो आपको नया नहीं लगेगा. देखिएगा यूनिट वन में धर्मा डंडा कौटिल्या के बारे में जानेंगे कि भाई धर्मा एंड डंडा जो था वो क्या था, कौटिल्या की जो बुक है अर्थशास्त्र या कौटिल्या द्वारा इन दोनों को किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है. यूनिट टू में आप जानेंगे ताराबाई शिंदे जेंडर इक्वलिटी के बारे में जानेंगे. ओके, ताराबाई शिंदे के द्वारा किस तरीके से अप्रोच की गई थी जेंडर इक्वलिटी के लिए. देन यूनिट थर्ड जो है उसमें कल्चर एंड नेशनलिज्म विवेकानंद जी द्वारा जो लिखी गई कोई पुस्तक या रिसर्च होगी उसके बारे में पढ़ेंगे. देन यूनिट फोर जो है उसमें स्वराज जो गांधी जी द्वारा पुस्तक लिखी गई थी उसके बारे में पढ़ेंगे. देन फाइव में न्याय पढ़ेंगे जो अम्बेडकर जी द्वारा लिखी गई. एंड सिक्स्थ में हिंदुत्व पढ़ेंगे जो वीर सावरकर जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है. देन यूनिट सेवन जो है उसमें इंटरगल ह्यूमैनिज्म दीनदयाल उपाध्याय जी को आप बीजेपी पार्टी से जोड़कर पढ़ सकते हैं. जब आप पढ़ेंगे मल्टी पार्टीज इन इंडिया सो वहाँ पर इनका नाम डेफिनेटली आना है. ये कुछ बुक्स है जो आप पढ़ सकते हैं. हिंदुत्व बाय वीर सावरकर, विनायक दामोदर दास सावरकर, एसेंशियल ऑफ हिंदुत्व 1922 में लिखी गई थी ये बुक, एट्सेट्रा, ये आप पढ़ सकते हैं. अब जीई टू में इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें बेसिकली हम समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल फर्स्ट यूनिट जो होगी जीई टू के सिलेबस में उसमें हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल एंटेंसेंडेंट्स एंड द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. यूनिट टू में हम पढ़ेंगे बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. यूनिट थर्ड में हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे. यूनिट फोर्थ में ऑब्लिगेशन मतलब कर्तव्य ऑफ स्टेट एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, कि भाई कर्तव्य क्या है एक स्टेट के अपने लोगों के ऊपर, मतलब कि लोगों, देन आप ड्यूटीज़ को पढ़ेंगे लोगों की. देन यूनिट फाइव जिसमें आप ऑर्गन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस जैसे लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और इसके साथ फोर्थ पिलर आप जोड़ सकते हैं प्रेस या मीडिया. देन यूनिट सिक्स इसमें सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप एंड डिसेंट्रलाइजेशन बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक में. मैंने खुद ने वीडियो बनाई है डिसेंट्रलाइजेशन पर, आप देख सकते हैं, तो उसके बारे में समझेंगे. देन जीई थ्री जर्नल इलेक्टिव थ्री नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे. हमने हमने कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म पढ़ा है फर्स्ट सेमेस्टर में, अब यहाँ पर नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे. तो अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिस्ट, इंपीरियलिस्ट, मार्क्सिस्ट एंड सबल्टन, चारों की चारों अप्रोच हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में. यूनिट टू, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ईजिली इसे कवर कर पाएंगे अगर उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ाई की होगी तो. यूनिट टू में रिफॉर्मिज्म एंड एंटी रिफॉर्मिज्म इन 19th सेंचुरी, जिसमें मेजर सोशल और रिलीजियस जो मूवमेंट थे 19th सेंचुरी में उसके बारे में पढ़ेंगे. बेसिकली ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज एंड सत्यशोधक समाज एट्सेट्रा, उनके बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे. यूनिट थर्ड में नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स एंड एक्सपेंशन ऑफ इट्स सोशल बेस, सो फेजेस ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट, लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, स्वदेशी एंड द रेडिकल्स, बिगिनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन इंडिया, गांधी एंड मास मोबिलाइजेशन, कि गांधी जी ने किस तरीके से लोगों की भीड़ इकट्ठा की थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट एट्सेट्रा, रेवोल्यूशनरीज, सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट एट्सेट्रा के बारे में आप पढ़ेंगे. यूनिट फोर में आप पढ़ेंगे सोशल मूवमेंट्स, पीस एंड ट्राइबल वर्कर्स, वीमेन, एंटी कास्ट मूवमेंट एट्सेट्रा के बारे में. यूनिट जो फाइव होगी उसमें पार्टीशन, इंडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट, कम्युनलिज्म इन
इंडियन पॉलिटिक्स, द टू नेशन थियरी जो जिन्ना के द्वारा दी गई थी उसके बारे में पढ़ेंगे, पार्टीशन, इंडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट की 565 जो रियासतें थी उनको भारत में किस तरीके से उनका विलय किया गया उसके बारे में आप जानेंगे। देन GE4 अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल रिलेशनशिप, IR है बेसिकली वही है जो मेकिंग सेंस ऑफ द वर्ल्ड, व्हाट इज़ IR, अंडरस्टैंडिंग स्पेस, हाउ डू वी सेंस आवर प्लेनेट, व्हाई, वेज टू नोइंग एंड बींग पीपल, हिस्ट्रीज एंड सिविलाइजेशन, ये थोड़ा डिफरेंट है उससे। यहाँ पर जो टॉपिक्स है जैसे कि ये दो टॉपिक है बिल्कुल नए हैं। देन यूनिट 2 जो है उसमें स्टेट, नेशन एंड मार्केट, स्टेट एंड डिफ्यूजन ऑफ अथॉरिटी पावर, नेशन एंड नेशनलिज्म, स्टेट एंड मार्केट्स। यूनिट 3 में इनइक्वलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, इनइक्वलिटीज़ में पॉलिटिको मिलिट्री इनइक्वलिटीज़, बिग स्टेट्स, स्मॉल स्टेट्स, जैसे कि USA एक बहुत बड़ा स्टेट है, बहुत बड़ा स्टेट से मतलब है कंट्री, यहाँ पर स्टेट कंट्री के लिए यूज़ किया जाता है, तो जो छोटी कंट्री है उन पर ये अपना दबदबा बनाता है, जैसे कि पाकिस्तान, पाकिस्तान को पैसे की सहायता देकर पाकिस्तान पर अपना दबदबा बनाता है एट्सेट्रा। सो यहाँ पर उन्हीं बिग कंट्री एंड स्मॉल कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़, रिच स्टेट, पुअर स्टेट के, गरीब जो देश है उनके बारे में एंड अमीर जो देश है उनके बारे में, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल कॉमन्स एंड डिफ्रेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यूनिट 4 में साइट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड फॉर्म्स ऑफ वायलेंस, जिसमें चेंजिंग लैंडस्केप, नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, फॉर्म ऑफ वायलेंस पढ़ेंगे। यूनिट 5 जो होगी उसमें नोइंग ऑफ आवर वर्चुअल एंड क्रिएटिव वर्ल्ड, द विजुअल टर्न इन IR, इंटरनेट, म्यूजियम्स, सिनेमाज एट्सेट्रा के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कुछ बुक्स है जो आप पढ़ सकते हैं, बाकी हम स्टार्ट करेंगे जैसे ही SOL की साइट पर जो न्यू PDFs हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत UGCF के सिलेबस के हिसाब से PDF अपलोड होते हैं, वैसे ही हम नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं और 2 से 3 दिन में आप तक वीडियोस पहुंचाना स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए हम अलग अलग जो सिलेबस हैं उनको डिस्कस करेंगे, जैसे इसके बाद आप कौन सा सिलेबस डिस्कस करना चाहते हैं, किस सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस करना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसे डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर GE जो 5 है उसमें आप पढ़ेंगे गवर्नेंस इशू एंड चैलेंजेस। सो इसमें देखिएगा यूनिट 1 में गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट को जानेंगे, रोल ऑफ स्टेट इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एंड ग्लोबलाइजेशन क्या है। ग्लोबलाइजेशन बेसिकली है कि एक कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ व्यापारिक संबंध। अब देखिएगा भारत के अंदर अगर देखेंगे, एक बार नज़र दौड़ाइए, अगर आप अपने रूम से अलग पार्क वगैरह में बैठे हैं तो वहाँ पर आप अलग अलग कंट्रीज़ की ब्रांड देखेंगे, नाइकी होगी, प्यूमा होगी एंड अदर जो यूज़फुल मटेरियल होगा उसमें आप अलग अलग कंट्रीज़ की ब्रांड देखेंगे। तो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में स्टेट का क्या रोल रह गया है। स्टेट बेसिकली कमज़ोर हो चुका है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। स्टेट मार्केट एंड सिविल सोसाइटी, सेकेंड यूनिट में गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, चेंजिंग डायमेंशंस ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी थ्रू गुड गवर्नेंस। यूनिट 3 में एनवायरमेंटल गवर्नेंस, ह्यूमन एनवायरमेंटल इंटरेक्शन, ग्रीन गवर्नेंस, सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, लोकल गवर्नेंस, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस। यूनिट 5 में गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव्स इन इंडिया, बेस्ट प्रैक्टिसेस, पब्लिक सर्विस डिलीवरी, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, सिटीजन कैरेक्टर एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एट्सेट्रा के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देन दो GE6 वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले फर्स्ट सेमेस्टर में हम थियरी के बारे में पढ़ चुके हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थियरी या जो पॉलिटिकल थियरी थी, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियरी या इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियरी, हमने बेसिकली थियरी के बारे में पढ़ा था। थियरी आप जान चुके हैं क्या है और फिलॉसफी भी आप जान चुके हैं क्योंकि कंपैरिजन किया था हमने। तो इसमें हम पढ़ेंगे यूनिट 1 में क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी, जिसमें हम प्लेटो और एरिस्टोटल के बारे में जानेंगे। एरिस्टोटल को क्या कहा जाता है एंड प्लेटो को किसका जनक कहा जाता है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में हमने ये पढ़ा है कि प्लेटो वॉज द फादर ऑफ दिस फील्ड एंड एरिस्टोटल वॉज द फादर ऑफ दिस फील्ड, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देन रेनेसेंस एंड मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी, जिसमें मैकेवली, हॉब्स, रूसो, मिल, मार्क्स एट्सेट्रा की जो फिलॉसफीज़ है उनको पढ़ेंगे। सो बेसिकली 2 ही यूनिट है यहाँ पर,
ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटा सा एक सब्जेक्ट है। डेंजनरिक इलेक्टिव 7 जो है उसमें पॉलिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन मतलब कि ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद पॉलिटिक्स ने किस तरीके से यू टर्न लिया, या कौन सा बदलाव लिया, कौन सा रूट लिया, लेफ्ट गई, राइट गई या फिर स्ट्रेट गई, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सो यूनिट 1 में जो होगा कॉन्सेप्चुलाइजिंग ग्लोबलाइजेशन, इज ग्लोबलाइजेशन न्यू, क्या ग्लोबलाइजेशन बिल्कुल नया है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जानेंगे, अप्रोचेस टू अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन, द ग्लोबलाइजेशन डिबेट। एंड यूनिट 2 में ग्लोबलाइजेशन अ यूरोसेंट्रिक प्रोजेक्ट, द क्वेश्चन ऑफ पोस्ट कॉलोनियलिटी, मेकिंग सेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन फॉर द पीपल एट द मार्जन्स। थर्ड यूनिट में सबवर्जन स्टेट इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, पॉलिटिकल डायमेंशन शिफ्ट फ्रॉम स्टेट टू मार्केट। देखिएगा, अगर इंडिया को देखा जाए तो इंडिया इज़ द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड चाइना के बाद, क्योंकि ऑफिशियली तो चाइना ही है बिगेस्ट मार्केट, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज के लिए इंडिया सबसे बड़ी मार्केट के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर यही समझेंगे कि शिफ्ट फ्रॉम स्टेट टू मार्केट। सो यूनिट 4th जो है उसमें रोल ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, मल्टी डायमेंशनलिटी ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वर्ल्ड बैंक के बारे में जानेंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फर्म फंड IMF जिसे कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, एंड G20 जो भारत में होने वाली है, द ग्लोबलाइजेशन ऑफ ट्रेड, ग्लोबल एपिडेमिक एंड वर्किंग ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। पेंडेमिक और एपिडेमिक्स में क्या डिफरेंस होता है वो आपको समझना होगा। एपिडेमिक क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसे WHO कहते हैं, पेंडेमिक के दौरान आपने ज़रूर इसके बारे में पढ़ा और सुना होगा। यूनिट 5 जो है उसमें रिस्पॉन्सेज एंड रेजिस्टेंस ऑफ, रेजिस्टेंस मतलब विरोध टू ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल सोशल मूवमेंट, इंटरनेशनल माइग्रेशन एट्सेट्रा। और अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप इन बुक्स को रेफर कर सकते हैं। देन GE8 जनरल इलेक्टिव। अब यहाँ पर देखिए आपको बहुत अच्छी चॉइस दी जाएगी कि आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। इंट्रोडक्शन टू पब्लिक पॉलिसी, अब पब्लिक पॉलिसीज़ के बारे में यहाँ पर आप पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट यूनिट जो होगी वो पब्लिक पॉलिसी होगी। बेसिकली यहाँ पर इंट्रोडक्शन होगा पब्लिक पॉलिसीज़ का, कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सिग्निफिकेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी, पॉलिसी इम्पैक्ट ऑन सोशियो इकोनॉमिक, कि भाई समाज पर और इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट पड़ता है पॉलिसीज़ का। यूनिट 2 में आप पढ़ेंगे थियोरेटिकल अप्रोच ऑफ पब्लिक पॉलिसी, एलिट थियरी, ग्रुप थियरी, इन लाइक इंक्रीमेंटल थियरी, रैशनल चॉइस थियरी। देन यूनिट 3rd जो होगी उसमें प्रोसेसेस ऑफ पब्लिक पॉलिसी, जिसमें पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी इवेल्यूएशन। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो पब्लिक पॉलिसी है उसको समझने के लिए PA की सहायता लेंगे। अब PA पर्सनल सेक्रेटरी नहीं है, ये क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कहीं ना कहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सहायता लेनी होगी, तो इसमें भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आएगा। अब यूनिट 4 जो है उसमें देखिएगा पब्लिक पॉलिसी केस स्टडीज, एजुकेशन, एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है NEP उसको पढ़ेंगे, हेल्थ, नेशनल हेल्थ मिशन NHM, एम्प्लॉयमेंट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जिसे मनरेगा के नाम से बेसिकली जाना जाता है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, प्रधानमंत्री जनधन योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र DBT एट्सेट्रा के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। बेसिकली हम जो नई नई पॉलिसीज़ हैं 2014 के बाद, ज़्यादातर जो पॉलिसीज़ हैं मनरेगा को अगर छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर जो पॉलिसीज़ हैं 2014 के बाद जो इम्प्लीमेंट की गई, जो इंट्रोड्यूस की गई, उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, बिल्कुल फ्रेश पॉलिसीज़। अब GE9 वीमेन एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया कॉन्सेप्ट एंड जो उसके बारे में पढ़ेंगे। सो यूनिट 1 में देखिएगा बेसिकली हम पढ़ेंगे पैट्रियार्की एंड फेमिनिज्म। पैट्रियार्की आप जानते हैं पितृसत्ता, और फेमिनिज्म का मतलब है नारीवाद। सेक्स जेंडर डिबेट हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। पब्लिक एंड प्राइवेट डिकॉटमी, पावर एट्सेट्रा के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 2 में पढ़ेंगे फैमिली एंड कम्युनिटी, कि भाई औरतों को, महिलाओं को लाइक परिवार में और समाज में किस नज़रिए से देखा जाता है। यूनिट 3 में लॉ, स्टेट एंड वीमेन, एंड यूनिट 4 में हिस्ट्री ऑफ वीमेंस मूवमेंट इन इंडिया। यूनिट 5 में वॉयलेंस अगेंस्ट वीमेंस,
एंड यूनिट 6 में वुमेन एंड लेबर, अनपेड लेबर, रिप्रोडक्टिव एंड केयर वर्क, सेक्स वर्क एटसेट्रा के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देन GE 10 डिजिटल सोशल साइंस। डिजिटल सोशल साइंस बेसिकली क्या है कि हम जो इंटरनेट की सहायता से सोशल साइंस को किस तरीके से देखते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो यूनिट 1 में डिजिटल लिटरेसी इन सोशल साइंस, यूनिट 2 में डिजिटल इंफॉर्मेशन एंड साइंस ऑफ सोसाइटी, ये सब्जेक्ट बिल्कुल नया रहेगा आपके लिए। सो यूनिट 3 में बायोमेट्रिक एंड आइडेंटिफिकेशन, यूनिट 4 में एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड इन द इंटरनेट, यूनिट 5 में सोशल मीडिया एंड पब्लिक पॉलिटिक्स में सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ज़्यादातर लीडर्स आपको मिल जाएंगे सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर उनकी वीडियोज़ आती रहती है, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी जगह पर एक्टिव रहते हैं, तो उसी के बारे में बेसिकली हम जानेंगे। देन यूनिट जो 6 है उसमें जानेंगे लेबर इन डिजिटल इकोनॉमी, यूनिट 7 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एल्गोरिदम के बारे में जानेंगे। सो अगर आपको इसके लिए और जानकारी चाहिए तो आप इन बुक्स को रेफर कर सकते हैं, लाइब्रेरीज में जाइए, विजिट कीजिए लाइब्रेरीज को और वहाँ से इन बुक्स को आप ज़रूर पढ़िएगा। ये PDF जो है मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है गूगल ट्रांसलेटर की सहायता से, और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो यहाँ पर हमने पॉलिटिकल साइंस BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का जो सिलेबस था वो डिस्कस कर लिया है, 2023 का जो सिलेबस है सेकंड सेमेस्टर का वो डिस्कस कर लिया है। और आगे आप कौन से सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस करना चाहते हैं कमेंट कीजिएगा, हम उसकी वीडियो भी जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।